Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, we are currently dealing with a topic called as mechanical properties of solid, जिसके अंदर elasticity के साथ हम लोग deal कर रहे हैं. So my dear children, elasticity में अब तक हम लोग ने जो जो सीखा है, that is Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio, इतने चीज़ों के बारे में हम लोग ने सीखा है. Actually हम लोग ने उससे भी ज़्यादा चीज़ें सीखा है, but यहाँ पर मैं इन चार चीज़ों को highlight इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में ये चार चीज़ों के concepts काफ़ी important होते हैं. So, जो भी स्टूडेंट्स को पता नहीं है व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें, उसको फॉलो करने के बाद ही यहां पर आए आप. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो मोर एफिशिएंटली. इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो. ये तीन क्वांटिटीज़ को आपस में कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ. लेट अस लर्न अबाउट दैट. सो माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो. इन तीनों के बीच का रिलेशन हम लोग निकालने वाले हैं. लेट्स ट्राई टू डू दैट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स कंसिडर अ क्यूब. ऑब्वियसली यू, अभी मैंने क्यू कंसिडर किया बिकॉज आई एम गोइंग टू कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. सो आई विल नीड टू हैव अ क्यूब बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेयर के बेसिस में होती है और शेयर के लिए आपको तो याद ही क्यूब रखा, बेस फिक्स किया, ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से टिल्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. सो लेट मी से ये क्यूब है, ये क्यूब का फ्रंट साइड है. मैंने इसको यहाँ से ऊपर से जब फोर्स अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो ये जो क्यूब है ना कुछ इस तरह बन गया. सो जस्ट आपको आपका विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए इसलिए कुछ ज़्यादा ही टिल्ट कर रहा हूँ. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना टिल्ट नहीं होता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एकदम हल्का सा ही टिल्ट होता है. ओके, एनीवे, सो दिस इज द क्यूब, ये इतना टिल्ट हो गया. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए बी एंड ऊपर के इस पॉइंट को सी बुलाता हूँ, इसको डी बुलाता हूँ. ये जो टिल्ट हो गया आगे गया है, इसको सी डैश और इसको डी डैश करके बुला देता हूँ मैं. नाउ वी आर वेरी वेल क्लियर दैट यहाँ पर ये जो भी डायमेंशन, जितना भी डायमेंशन से ये चेंज हुआ है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं एंड ये जो ओरिजिनल डायमेंशन है हमारे क्यूब का, इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट कर सकते हैं. एंड हम तो यहाँ पर जानते हो कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, है ना. तो शेयर स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट tan of phi, एंड इस टैन ऑफ फाइव, सिंस ये फाइव बहुत ही छोटा होता है, इसको मैं अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू फाइव बोल सकता हूँ. एंड आप तो जानते हो कि टैन ऑफ फाइव क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है. सो शेयर स्ट्रेन को मैं या तो फाइव बोल सकता हूँ, नहीं तो इस फाइव को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. जैसे सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, हाल फिलहाल ये एक्सप्रेशन ऐसे मेरे सामने रखता हूँ मैं, बाद में जैसे जरूरत पड़ने वाला मैं एक्सप्रेशन को चेंज करते जाऊँगा. अब आप तो जानते हो कि ये जो AC है इसका ओरिजिनल डायगोनल होता है. ये AC का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये तो आप जानते ही हो, फॉर मतलब क्यूब का फेस जो होता है स्क्वायर फेस होता है, यहाँ पर स्क्वायर फेस में ऐसे ही होता है. अब AC तो ठीक है मान गए, अब लेकिन नया डायगोनल, पुराना डायगोनल तो AC था, लेकिन नया डायगोनल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, जिसको हम लोग बुलाएंगे A'C, दैट विल बी द न्यू डायगोनल, है कि नहीं. अब न्यू डायगोनल का वैल्यू डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है जरूर, बट स्टिल इट इज नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन ट्राई टू डू इट. हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, मान लीजिए यहां पर सी से लेकर इस पर्टिकुलर लाइन तक मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया. ओके, एक परपेंडिकुलर बना दिया, इस स्पॉट को मैंने आर करके नाम दे दिया. अब मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली ए सी का जितना लेंथ होगा उतना ही होगा ए आर, अप्रोक्सीमेटली. ओके, AC is approximately equal to AR. That means मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AC में जो चेंज हुआ है that is nothing but ये जो see, अगर मैं सीधी सी बात है, this is initial AC, initial diagonal, AC dash is the final diagonal. The change in the diagonal is nothing but the extra segment यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, because ये AR जो है वो original है, AC dash जो है वो final है. Final minus original अगर निकालेंगे तो बचेगा change. So I can say that the change in diagonal is approximately equal to RC dash. So ये RC dash का एक significance है.
सिग्निफिकेंस है तो ठीक है भाई, आगे हम लोग देखते हैं कि आर सी डैश को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्राई तो करके देखते हैं। नाउ सिंस दिस इज अ क्यूब, आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल मैंने मार्क किया, दिस एंगल इज 45। क्यों? टोटल एंगल 90 है तो उसका डायगनल जो है वो आधा ही काटता है, तो 45 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंस दिस इज 45, आई कैन क्लियरली से दैट ये 90 है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये 45 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सिंस दिस इज 45, ये 45 होगा, ये 90, ये और इनके बीच का एंगल 45 है, तो ये एंगल भी हमें 45 मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये अंदर वाला एंगल क्या मिलेगा हमें, 45 मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली सही चल जाएगा, बट 45 मिल जाएगा। इफ दिस इज 45, आई कैन से दैट इसका ऑपोजिट है आर सी डैश और हाइपोटेन्यूस है, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा एल। हम तो जानते हैं कि भाई साइन 45 इन दिस केस, ठीक है, पहले ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, इन ट्राइंगल सी आर सी डैश आई कैन से दैट साइन 45 विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज आर सी डैश अपॉन एल। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, एल को इस तरफ लेके आइए, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ आर सी डैश विल बी इक्वल टू एल बाय रूट टू। मतलब इन फ्यूचर अगर आर सी डैश सब्सटीट्यूट करने की जरूरत पड़े तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ऐसे हमारे दिमाग में फिट करके रख देते हैं। ठीक है, RC डैश का सब्स्टिट्यूशन भी तैयार कर दिया, अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। लेट अस कॉल अल्फा टू बी ए क्वांटिटी व्हिच विल बी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, longitudinal strain per unit stress. अगर alpha longitudinal strain per unit stress है, तो आप तो जानते हो कि stress upon strain तो Young's modulus होता है। Basically alpha क्या हो जाएगा Young's modulus का? See, stress upon strain अगर Young's modulus है, तो strain upon stress अगर alpha है, तो basically उल्टा relation आ जाएगा। Therefore मैं बोल सकता हूँ कि alpha जो है, मतलब बाद में बोल सकता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, therefore alpha can be written as 1 upon Young's modulus। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब उसके अलावा एक और क्वांटिटी मैं आपके सामने रिलेट करना चाहता हूं, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, इसको भी रिलेट करना चाहता हूं, बीटा। अब बोले कि सर आपने ये क्यों किया? सी, बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, हमें यहां पर ना पॉइजन्स रेशियो भी यूज करना है, एंड आप तो जानते हैं कि पॉइजन्स रेशियो इज बेसिकली लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आपने लैटरल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस को डिवाइड किया, तो बेसिकली पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये तो आप जानते ही हो। अब लैटरल स्ट्रेन के केस में लैटरल स्ट्रेन इज कनेक्टेड टू बीटा एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज कनेक्टेड टू अल्फा, तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज बीटा अपॉन अल्फा। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर कहीं पर भी मुझे बीटा अपॉन अल्फा का टर्म दिखाई दिया, तो उसके जगह पे सिग्मा डाल सकता हूं। सो इसलिए मैंने ये अल्फा बीटा ये सारे टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ध्यान से सुनना मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। अब अल्फा इट्स लाइक अल्फा इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, देयरफॉर आप एक चीज हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, ये तो आप जानते ही हो। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एल, देयरफॉर कोई भी सिचुएशन में चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये चीज आप दिमाग में रखना, मतलब ओरिजिनल लेंथ, ये चीज आप दिमाग में रखना। अब चलो इसको यहां पर यूज करते हैं, हमें बेसिकली सब कुछ कनेक्शन कहां से करना है, ये आर सी डैश से कनेक्शन करना है। नाउ वी नो दैट आर सी डैश, व्हाट इज बेसिकली आर सी डैश, आर सी डैश इज द एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन होता किस चीज की वजह से, दो चीजों की वजह से होती है, एक तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से होती है, और दूसरा लैटरल की वजह से होती है। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूडनल की वजह से जो एक्सटेंशन होती है उसको मैं लिख सकता हूँ, सी दिस इज व्हाट एक्सटेंशन, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन, लॉन्जिट्यूडनल की वजह से जो होती है उसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्ट्रेस, जिसको मैं टी बुला सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय एल, एल इज व्हाट ओरिजिनल लेंथ। अब आर सी किसका एक्सटेंशन है, डायगनल का एक्सटेंशन है, डायगनल का ओरिजिनल लेंथ क्या था, ए सी, तो मैं एल की जगह पे क्या लिखूंगा, ए सी। आई बिलीव इतना क्लियर है। सो एलोंगेशन को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू स्ट्रेस इंटू ओरिजिनल लेंथ
RC is elongation. Elongation के अंदर यहाँ पर दो elongations होते हैं, एक longitudinal और एक lateral. Longitudinal elongation की वजह से जो होती है, that will be alpha into total stress multiplied by original dimension. RC is the elongation of diagonal. Therefore, यहाँ पर original dimension में भी diagonal का ही length लिखा है. But यहाँ पर ये खत्म नहीं होता. This is only because of longitudinal. Longitudinal के अलावा, ये तो longitudinal के वजह से हो गया ना? उसके अलावा लैटरल की वजह से भी तो होता है. लैटरल की वजह से क्या होगा, सेम फॉर्मूला वापस रिपीट करना है, बट सिर्फ अल्फा की जगह पे आपको क्या लिखना है भाई, बीटा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय एसी. दिस विल गिव यू द एलोंगेशन ड्यू टू द लैटरल कंपोनेंट. द लैटरल कंपोनेंट ऑफ एलोंगेशन आपको मिलेगा यहां पर. ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए, बाय द वे आरसी को क्यों आरसी रख रहे हो आप, एल बाय रूट टू से डिवाइड कर दो, ये एल बाय रूट टू डाल दीजिए. ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, टी मल्टीप्लाइड बाई ए सी को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा. अब ये जो ए सी है, ए सी इज व्हाट डायगोनल, ए सी की जगह पे कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाई रूट टू लिख सकता हूँ. ठीक है भाई, मैं ए सी की जगह पे कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाई रूट टू डाल देता हूँ. ओके, अब क्या क्या करना है, सबसे पहली बात ये एल को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू टेंशन, रूट टू को उधर लेके जाओ, रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू इज टू. उसके बाद अल्फा को बाहर कॉमन निकालो, अल्फा बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा. अब एक एक करके सब्सटीट्यूशन करो, व्हाट इज एल बाई एल, एल बाई एल कहीं तो देखा है, फाइव, एल बाई एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइव. ठीक है भाई, इसके जगह पे फाइव लिखता हूँ, ये टी को नीचे लेके आता हूँ, इज इक्वल टू टू अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पे वन बाय वाई लिख सकते हैं. ठीक है भाई, वन बाय वाई लिख लिया मैंने, वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा की जगह पे सिग्मा लिख सकता हूँ, लो भाई मैंने सिग्मा भी लिख लिया. ओके, अब फाइव अपॉन टी क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मुझे अचानक से एक चीज याद है, व्हाट इज दिस फाइव, फाइव इज अ शेयर स्ट्रेन, व्हाट इज दिस टी, टी इज, टी इज द टोटल शेयर स्ट्रेस जो मैंने अप्लाई किया, जो भी स्ट्रेस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया. ओके, सो इफ दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इज नथिंग बट शेयरिंग, स्ट्रेन अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट गोइंग टू बी द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट shear stress up, shear strain upon shear stress. Substitute कर देते हैं, modulus of rigidity is equal to 2 upon y in the bracket 1 plus sigma. So you can rewrite this as, oh sorry, this is strain upon stress, right? Strain upon stress नहीं होता ना, modulus of rigidity. Actually stress upon strain होता ना, so stress upon strain मतलब there should be 1 by eta. So इसको ऊपर लेके जाएंगे, so y is equal to 2 eta 1 plus sigma. This will be the relation of Young's modulus with modulus of rigidity and Poisson's ratio. The derivation is bit tricky, इसी वजह से आपके textbooks में वगैरह derivation नहीं discuss किए हैं, formula दिया हुआ है. तो फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया है. किसी भी हालत में फॉर्मूला किसी भी हालत में दिमाग में रख लीजिए, डेरिवेशन को समझने की कोशिश कीजिए. सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि भाई यंग्स मॉडुलस, पॉइजंस रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है. आई बिलीव ये डेरिवेशन आपके दिमाग में फिट हो गया होगा. थोड़ा सा ट्रिकी डेरिवेशन जरूर है, बट समझने की कोशिश कीजिए एंड फॉर्मूले को किसी भी हालत में दिमाग में फीड कर लीजिए. दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. टेक केयर, बाय.